थोड़ा वही देर देखिए। थ्रू वेरियस मीन्स मेरे पेरेंट्स मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और ईमेल्स भेज रहे, कोई किसी और से कॉल्स करवा रहे, थ्रेटनिंग कॉल्स करवा रहे, मेरे मदर इन लॉ को भी कॉल करवाए थे ऐसे ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ, मुझे मुस्लिम बन के ही जीना है। प्लीज़ आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट को सही मत समझे, जो है वो समझने की कोशिश करें आप लोग। और एक बात क्या है बोले तो, ये जो मीडिया क्रिएट कर रहे हैं फेक न्यूज़ेस, वो हम लोगों के पूछ के करना चाहिए था। एक ही तरफ से कंफर्मेशन लेके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, दो तरफ से मालूम करके टेलीकास्ट कीजिए। आपके हस्बैंड प्रॉपर कहाँ के हैं? करीमनगर के हैं। मेरा नाम है इंदिरा, कन्वर्शन नाम है जुनायरा नरमीन। मेरे बारे में जो भी ये न्यूज़ वायरल हो रहे हैं ये बिल्कुल फेक है। मैं अपने मर्ज़ी से इस्लाम कबूल की है, मेरी शादी से और कन्वर्शन से कोई रिलेशन नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करी, कोई ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और शादी भी अपनी मर्ज़ी से की थी, इसमें किसी की दबाव नहीं है। ये सेक्युलर इंडिया है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ। आप इस्लाम कबूल करके कितने साल हो? 1 ईयर हुआ, लास्ट रमज़ान में कबूल की थी मैंने। आपको कितने प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है? जी मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में फेक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया को, वो बिल्कुल फेक है, वो सही नहीं है। मेरे कि मुझे मेरे हस्बैंड ने फोर्स करके मुझे इस्लाम कबूल करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तभी बोली थी मैं पेरेंट्स को मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट है, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ाई से रोके, घर लेके गए और मुझे बहुत मारे, ब्लैक मैजिक भी करे मेरे साथ। फिर भी बोली थी मुझसे नहीं हो रहा, मैं इस्लाम नहीं भूल पा रही, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने। 9 मंथ्स हुए, अभी जुलाई में हुआ था, 2018 जुलाई में। मंचरियाल लक्षड़ीपेट। महेश कोट्टे, रेणुका कोट्टे। Thank you.